श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति ही लेकर आती है। इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में आठवें स्थान में रहेंगे। इस जगह पर चंद्रमा का होना ठीक नहीं होता है। इस समय में आपको कई मामलों में तकलीफें उठानी पड़ सकती है, लेकिन कुछ मामलों में सफलता भी इस दिन देखने को मिलेगी। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से इस दिन आपका मन परेशान रह सकता है, चिंतित रह सकता है। आप किसी पुरानी उलझन में उलझे नजर आओगे। इस समय में किसी अपने की याद भी आपको सता सकती है। इस समय में आप इमोशनली काफी वीक रहोगे। जी हाँ, इस समय में आप इमोशनली काफी वीक रह सकते हैं। किसी से भी मनमुटाव बड़ी आसानी से हो सकता है। इस समय में आपको लड़ाई झगड़ों से बचना होगा, पारिवारिक कलह-क्लेश से बचना होगा। इस समय में आप अकारण ही दुखी हो सकते हो और आपके आसपास के लोगों को आप अपने स्वभाव व कटु बोली की वजह से दुखी कर सकते हो। इसलिए आज आप शांत रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे। पैसों का लेन देन करना इस दिन ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अचानक से धन प्राप्ति के योग अष्टम भाव आपको दे रहा है। दोस्तों चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से आपको वहां से धन प्राप्त हो सकता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय में कोई ऐसी डील साइन हो सकती है जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और वो काम जिसे लेकर आप कॉन्फिडेंट है उसमें असफलता भी आपको दिख सकती है। इस वजह से सरप्राइज इस समय में मिल सकता है। वो सरप्राइज अच्छा भी हो सकता है और वो सरप्राइज आपको दुखी भी कर सकता है। इसलिए ये दिन आपको सावधानी पूर्वक निकालना जरूरी होगा। इस समय में आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी काफी जरूरी रहेगी। इस समय में यात्राएं भी संभल कर करनी होगी। चोट लगने के योग भी बन रहे हैं। इस समय में सेहत से संबंधित परेशानी भी घेर सकती है। सिर में दर्द रह सकता है, पाचन शक्ति कमजोर रहेगी। इस समय में अगर बीपी की परेशानी है तो अपना खास ख्याल जरूर रखें, अपने मेडिकेशन का अच्छे से ध्यान रखें और अपने खाने पीने का ध्यान इस दिन आपके लिए रखना बेहद जरूरी है। इस दिन के लिए अगर कोई प्लान बनाए हैं तो उसमें असफलता मिल सकती है, तो थोड़ा सावधान रहे, उपाय जरूर करें ताकि दिन आपके लिए बेहतर बन सके। ये जानकारी आपको सतर्क करने के लिए है। पहले से ही उपाय कर ले तो हो सकता है दिन बहुत बढ़िया जाए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन कुछ खास नहीं रहेगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई रुकावट आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आज अगर आप चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाते हो तो आप शांत रहोगे, आपका मन शांत रहेगा, सिर दर्द भी नहीं होगा, दिन काफी अच्छा जाने की संभावना रहेगी। तो आज चंदन का टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव रिलेशनशिप में आपको इस दिन अपनी बोली पर नियंत्रण रखना काफी जरूरी रहेगा। इस दिन आपको तोल मोल कर बोलना अच्छा रहेगा और एक दूसरे की गलतियों को इस दिन नजरअंदाज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप कोई बड़ा अहम फैसला ना ले, थोड़ा रुक जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आपको विदेश से धन कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। विदेश सेटलमेंट के भी योग अष्टम भाव आपको जरूर देता है। दोस्तों इस दिन ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा और 9 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों प्रार्थना में किसी भी उपाय से ज्यादा शक्ति होती है, तो अपने इष्ट देव को याद करें, उनका आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका ये दिन काफी अच्छा रहे, मौज मस्ती भरा रहे। दोस्तों साथ ही इस दिन मंदिर जरूर जाए और भगवान से प्रार्थना करें और साथ ही 1 रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में डालना ना भूलें। इन उपायों से आपका दिन काफी अच्छा जाएगा। अपनी सोच पॉजिटिव रखें और जीवन के हर पल का आनंद लेने की कोशिश करें। दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।